के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 9 पर लावारिस बैग मिलने से मची सनसनी। मौके पर पहुंचे पुलिसी अमला ने की गहन चेकिंग। लावारिस बैग में मिले सिर्फ पुराने कपड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने की होली पर्व की तैयारियों की समीक्षा। एडीजी, आईजी, डीएम, एसएसपी सहित आला अधिकारी रहे मौजूद। होली के त्योहार को देखते हुए खोआ मंडी में हुई छापेमारी। सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा, मिलावटी मावा बेचने वाले व्यापारियों के ऊपर होगी कार्रवाई। एम्स के बाहर दलालों की सक्रियता से नागरिक हैं परेशान। रजिस्ट्रेशन के नाम पर नागरिकों से दलाल 50 रुपए अतिरिक्त सुविधा शुल्क की कर रहे डिमांड। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी रेंज ने कहा, होली पर्व और लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर पुलिस व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त। रेंज के सभी डीएम और एसपी को जारी किए निर्देश, कहा त्योहार और चुनाव को सकुशल निष्पक्ष संपन्न कराएं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के आकस्मिक निधन पर महापौर ने प्रकट की संवेदना, दी श्रद्धांजलि, कहा स्वच्छ राजनीति में भारत के लिए है बहुत बड़ी क्षति। तारामंडल स्थित रामगढ़ झील के म्यूजिकल फाउंटेन का किया गया ट्रायल शो, अद्भुत अलौकिक मनमोहक दृश्य, लोग हुए मंत्रमुग्ध। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई ट्रैफिक व्यवस्था से संबंधित बैठक, त्योहारों में ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के दिए निर्देश। सीओ कैंट के नेतृत्व में एसएसपी और पुलिस के जवानों के साथ कैंट थाने से निकाला गया फ्लैग मार्च। होली पर्व और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बीएसएनएल का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर टू द होम सेवा हुआ फेल, मरीज हुए परेशान। परंपरागत रूप से निकलेगी होलिका दहन की शोभा यात्रा, गोरख पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के आकस्मिक निधन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनके विचारों पर चलने का लिया संकल्प। और विद्यालय और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों का तेजी से चल रहा मूल्यांकन कार्य।